नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं, आप सबका परिचय कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुकुमार सिंह जी, जिनसे आज गन्ना समितियों के होने वाले चुनाव को लेकर गर्मा गर्म चर्चा करेंगे। तो पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि गन्ना समितियों के चुनाव होने हैं और ये छोटा चुनाव माना जाता है, और आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, उस समय जिला अध्यक्ष रहे जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होती थी। आपके कार्यकाल को, आपके द्वारा जिस हिसाब से संगठन चलाया गया उसको लोग याद करते हैं, फिर आखिर इतने छोटे चुनाव में आप क्यों कूद रहे हैं? जी बंगा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने राजनीति का सफ़र गन्ना समिति मोहल्ली के चुनाव से ही शुरू किया था। उस समय बाबू रामरतन सिंह जो कांग्रेस से मंत्री हुआ करते थे, उस समय विधायक थे, और उनका वहाँ पर एक प्रभाव था। उनके प्रभाव से ही उस समय 12 डायरेक्टर होते थे गन्ना समिति मोहल्ली में, उनमें 10 डायरेक्टर कांग्रेस से चुनकर आए थे। हम और शत्रुघ्न सिंह बड़ागांव दो लोग ही जनसंघ घटक से व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़कर पहुंचे थे, जबकि उस समय पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। हमको लगा उसके बाद रामरतन सिंह ने अपने चहेते सरदार नरेंद्र सिंह को वहां का अध्यक्ष बनवाया। उसके बाद स्थितियाँ यह बनी कि जो धीरेन्द्र सिंह है, जो इस समय वहाँ से टिकट मांग रहे हैं, अभी इस समय चूँकि 7 साल से कोई चुनाव नहीं हुए, इसके पहले दो लगातार बारों में वो रहे और अपनी पत्नी का टिकट मांग रहे हैं। वो लोगों को लगा कि ये व्यक्ति अपराध की दुनिया में चला गया है, हो सकता है कि इसको अगर कोई राजनीतिक पद दे दिया जाए तो ये सुधर जाएगा और मुख्य धारा में वापस आ जाएगा। इसलिए उस समय लोगों ने धीरेन्द्र सिंह चौहान को वहाँ का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद बसपा और सपा की सरकारें आती रही, ये दल बदल करके उसमें बनते गए। मुझको लगा कि सीतापुर की 6 गन्ना समितियों में पूर्व जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं उनमें से कोई टिकट नहीं मांग रहा है पार्टी से, और यहाँ पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई चेयरमैन नहीं हुआ है। इसलिए हमने ये सोचा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का एक प्रतिनिधित्व हो जाए, ये सोचकर मैंने यहाँ से आवेदन किया। आप मान रहे हैं कि पूर्व से होते आए हैं धीरेन्द्र सिंह चौहान वहाँ से चेयरमैन, तो वो तो कई पार्टियाँ होती थी जब वो चेयरमैन होते आए हैं, फिर जब आप भारतीय जनता पार्टी में आप पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, ऐसी स्थितियों में आखिर धीरेन्द्र चौहान इतने प्रभावशाली कैसे हैं कि आपकी पार्टी में भी उन्हीं की चलती हुई दिखाई दे रही? जी पंकज जी, मैं बताना चाहूँगा कि 1914 के बाद से हमारे यहाँ पार्टी में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़े। अब वो मजबूरी बस हो सकते हैं या कुछ उनके कुछ और भी कारण हो सकते हैं। अगर आप ध्यान दें, आप लोग पत्रकार हैं, तो 2014 के बाद से जो भी हमारे हैं जो ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए, अगर आप देखें तो अगर हम पार्टी का नेतृत्व चाहता तो 19 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाए जा सकते थे, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकार थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक ब्लॉक प्रमुख को छोड़कर 18 ब्लॉक प्रमुख गैर दलों से आए हुए आयातित हैं, दल बदल करके आए हुए हैं। वही हाल विधानसभा के चुनाव में भी अगर आप गौर करें तो एक विधायक को छोड़ करके सारे विधायक गैर दलों से आए हुए हैं, दल बदल कर आए हुए हैं। यहाँ तक कि जिला पंचायत का अध्यक्ष भी गैर दल से आया हुआ है, हैं? अब जब ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन है और कार्यकर्ता मायूस है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तो है गड़बड़। तो मानते हैं आपकी ऐसी स्थितियों में जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनकी नहीं चलने वाली है, कुछ और ही चलने वाला है? जी पंकज जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के एक स्तर ऐसा है जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है,
उस संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, केवल विचारधारा के साथ जुड़े। और एक अवसरवादी लोग ये जो आ रहे हैं, सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जब ये आते हैं तो अगर देखा जाए, जब कोई भी नियम के विपरीत कोई काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो हुआ है। श्री कुमार सिंह जी, हर कोई जानना चाहेगा, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो आपके राजनीतिक सफरनामे को नहीं जानते होंगे, तो जरा भारतीय जनता पार्टी में आपके राजनीतिक सफरनामे को और आपका जो अपना एक कार्यकाल रहा हो उसके बारे में भी जरा बताइए, फिर आगे और चर्चा करेंगे। जी देखिए पंकज जी, मैं 1975 से सक्रिय राजनीति में आया। उस समय मैंने शुरुआत विद्यार्थी परिषद से की थी। 77 में जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के चुनाव में भी हमारे यहाँ से गोकर्ण जी चुनाव लड़े, मैंने बस चक्कर उनके चुनाव में हिस्सा लिया और वो चुनाव जीते थे। 78 से 80 के बीच मैंने गन्ना समिति मोहली के डायरेक्टर के रूप में चुनाव लड़ा, जीते, और मैं जहाँ पर 10 कांग्रेसी डायरेक्टर थे और 2 हम लोग केवल जनसंघ घटक को बिलोंग करते थे, इसके बाद भी हमने वहाँ पर उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीता। उसके एक साल बाद ही 80 में डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, उसका भी डायरेक्टर के रूप में मैंने चुनाव लड़ा और जीता। मैं कर्मचारी न होते हुए भी गन्ना कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष रहा, मोहली यूनियन का। उस फिर भारतीय जनता पार्टी में मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, सहकारिता प्रकोष्ठ का जिला का संयोजक और मैं सदस्यता प्रमुख रहा। उसके बाद 1997 से 2000 तक मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। जो आप अपना सफरनामा बता रहे हैं उसके मुताबिक आपने गन्ने की राजनीति से शुरुआत की, जी, उस हिसाब से जी, तो इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद तक का आपका सफरनामा है, फिर आप उसी की राजनीति करने के आप इच्छुक हैं? ये पंकज जी बताओ, मैंने 1912 में मोहली से ही मैंने विधानसभा का टिकट मांगा था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। एक कार्यकर्ता होने के नाते जिसको टिकट मिला मैंने उसकी मदद की। फिर 17 में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी से वहाँ से विधायक का टिकट मांगा। दुर्भाग्य से पार्टी की कुछ ऐसी आहताएँ थी जिनको हम देने में असमर्थ रहे और टिकट पाने से वंचित हो गए। जिन लोगों ने उन आहताओं को पूरा किया वो टिकट लेकर विधायक बन गए। तो अब क्या लग रहा है, गन्ना समितियों के चुनाव में यदि टिकट नहीं मिलता है किसी स्थिति बस, तो क्या रहेगा अगला निर्णय आपका? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ। अगर पार्टी ने मुझको मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार न किया तो मेरा चुनाव फिर लड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि मैं अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं आना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक मतलब राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है, अब कोई इतना बड़ा पद भी नहीं है। ये तो मैं ये चुनाव मैंने सिर्फ आने वाली पीढ़ी को यह बताने के लिए ये मैंने आवेदन किया था कि देख लीजिए कि पूर्व के लोगों की स्थिति क्या होती है। जबकि 5 पूर्व जिलाध्यक्षों ने मेरा समर्थन किया, इसके बाद दुर्भाग्य है कि आज भी हमारा अभी मेरे आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया, न मुझको बताया गया है। देखिए, ये अपने आप में बड़ा खुलासा है पूर्व जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह का, जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में ये भी कह रहे हैं कि यदि पार्टी उन्हें नहीं लड़ाती है तो वो कतई चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव लड़ना क्यों चाह रहे थे, और उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के वो संगठन से जुड़े हुए 5 पूर्व जिलाध्यक्ष उनके समर्थन में लिखकर देते हैं। अब उन्हें इस बात का इंतजार है कि पार्टी का निर्णय क्या होगा। फिलहाल ये मोहली गन्ना समिति का चुनाव इस बार काफी रोचक होने वाला है, और यहां से 2 ही दावेदार हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिलाध्यक्ष सुकुमार सिंह, तो दूसरी तरफ जो पूर्व चेयरमैन रहे धीरेन्द्र सिंह चौहान, उनकी पत्नी ये आवेदन करता है। जी कौन कौन है और कोई है नहीं? जहाँ तक मेरी संज्ञान में है वहाँ से मतलब एक हमारा आवेदन है, और मुझे ये बताया गया
जानकारी मिली कि उन्होंने अपनी पत्नी का आवेदन कराया है। जी मेरा भी यही कहना था। जी ठीक, तो दो ही आवेदन है जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं सीतापुर गन्ना समितियों के लिए जो चुनाव होना है, 6 गन्ना समितियां हैं जिसमें आपको पता है सीतापुर, महोली, रामगढ़, बिसवा, महमूदाबाद और हरगांव, यहां का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। पार्टी के तमाम ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता जो इस टिकट की उम्मीद में बैठे हैं, कब तक ये फाइनल होगी हम और जानकारी चाहेंगे शिवकुमार सिंह जी से, कि इस विषय में आपको भी कुछ जानकारी मिली होगी कि आखिरकार कब तक आपकी पार्टी टिकट को लेकर फाइनल लिस्ट जारी करने वाली है। पंकज जी, अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जैसा कि लोगों ने बताया कि कल सहकारिता मंत्री जी सीतापुर आए थे और कुछ लोगों ने उनसे पूछा भी था और जितने भी दावेदार थे उसमें उनके आगे पीछे लगे भी थे, लेकिन अब कोई स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि क्या है। स्थिति क्लियर नहीं हो पाई क्या है, लेकिन एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि बड़े पद पर रहते हुए छोटे पद का चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं शिवकुमार सिंह, ये आज उन्होंने खुलासा किया और साथ ही उनके मुकाबले जो आवेदन करता है उनके बारे में भी बताया। अब सवाल ये है कि ऐसे में पार्टी का निर्णय क्या होता है, आने वाला समय बताएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। चलते चलते आखिर में फिर आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव को लेकर मन में क्या कुछ चल रहा है आपके, और बहुत सारे लोगों की निगाहें आप पर हैं, वो भी जरा आप बता दीजिए। और क्या अगर टिकट नहीं मिलता है तो आप उस स्थिति में क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए पंकज जी, यह चुनाव एक कार्यकर्ता और धनबल और बाहुबल के बीच में है। आज राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रवेश हो चुका है, और अगर ऐसा न होता तो शायद मुझ जैसे सीनियर कार्यकर्ता को आज ये इंतजार न करना पड़ता। सबसे पहले ही पार्टी तय कर दी थी कि इतने सीधे व्यक्ति के आगे किसी के आवेदन को स्वीकार किया जाएगा नहीं किया जाएगा। बहुत दुर्भाग्य है इस बात का, हमको कहना पड़ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं उनको इस हमारे इस प्रकरण से नसीहत लेनी चाहिए कि पार्टी किस ओर जा रही है। तो देखिए बहुत बड़ी बात कह दी कि पार्टी किस ओर जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी किस ओर जा रही है, क्योंकि जिला अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में अब सबकी निगाहें उस सूची पर लगी हैं कि कब गन्ना समितियों के चेयरमैन की सूची बाहर आती है या नहीं, या फिर पहले की तरह तमाम समितियों के चुनाव भी हुए आपने देखा होगा, अब इस बार क्या कुछ होगा इस पर नजर रहेगी। आप लोग देखते रहिए आई इंडिया, और आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।